सो भाई 10:03 हो चुके हैं और हम प्यारे से एक गांव में पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारा गांव है, ये मंदिर मिल गया, हनुमान जी का मंदिर लगता है भाई मेरे को। और भाई मस्त गांव है भाई। क्या भैया कौन सा गांव है ये? तो वो मोटर भी चल रही है गोहंदा। क्या खूबसूरत गांव है भाई, देखो भाई। देखो भाई इधर भी मिट्टी की दीवारें बनी हुई है, गाँव में लगता तो बढ़िया है। क्या नाम है तुम्हारा? करण अर्जुन। अच्छा देखियो ठाकुर से बच के रज्जू, सुबह सुबह भैंस के पड़ेरू को नफा दिया भाई। देखो कुआ भी है भाई इधर तो, ये देखो कुआ काफ़ी दिनों में देखने के लिए मिल रहा है और गांव बड़ा खूबसूरत है। जय माता की, जय माता की। ये देखो बाकी के लोग आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे जा रहा हूँ। और अभी तो भाई पैर से ही सलामत उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही पैरों में। ये देखो भाई इतना खूबसूरत गाँव है भाई, ये पुराने टाइप के कमरे अभी भी बने हुए हैं इस गाँव में। जय माता की भैया, जय माता की। राम राम दादा, जय माता की। गोपाल सिंह की बागर कौन सी है? गोपाल सिंह की बागर वो हरी हरी। अच्छा अपने जीजाजी के गांव में ही है, बहुत बढ़िया गांव है और बढ़िया खूबसूरती बहुत अच्छी है इस गांव में। राम राम, जय माता दी, जय माता। खूबसूरती बढ़िया है लेकिन सड़कें नहीं बनी जो गांव में। मैं गांव में लगत तो बढ़िया है तुम्हारे, सड़कें वड़कें बनवाओ अब बन जाएंगी। वीडियो बना ली है भाई, देखो कैसे पानी बह रहा है। पल पल न माने टिंकू जिया, जय माई की जय माई। जय माई की। जे रही भाई हमारे जिया जी की बाकर चलती है भाई। जी जी राम राम। जल्दी में है जी जी, नहीं चाय पी के आए जी जी कसम से। बस बस चलो भाई, अभी हम खेतों के बीच में ही जा रहे हैं। ये देखो भाई ऐसी पगडंडी है भाई, ये देखो, और चारों तरफ सरसों की फसल है। ये देखो भाई क्या मस्त माहौल है भाई। और बाकी के बंदे भाई आगे निकल गए हैं और मैं उनसे भाई काफ़ी दूर हूँ भाई, और देखते हैं भाई उन तक मैं कब तक पहुंच पाता हूं। मैं पीछे रह गया था भाई, सरसों ज़्यादा होती है भाई इधर, और तो भाई कोई फसल नहीं दिख रही सरसों के अलावा, क्योंकि भाई इधर ना भाई ज़मीन वैसी है क्योंकि पानी इधर रुकता नहीं है और इधर की एरिया में भाई पानी बहुत कमी है। तो ये क्या है ना भाई, सरसों कम पानी में हो जाती है, बढ़िया हो जाती है मस्त। और भाई हम देखो सरसों के बीच से गुजर रहे हैं और मस्त नज़ारा है, मस्त व्यू है भाई इधर का, मस्त सीन है। और ये पीले पीले फूलों की भाई गजब सी खुशबू आ रही है, सरसों की भी भाई गजब महक आ रही है। देखो कितनी शानदार मस्त फरी लगी हुई है भाई इसमें। और देखो बाकी के लोग आगे निकल गए हैं, देखो आपको झंडा झंडा दिख रहा होगा भाई। और भाई बड़ी परेशानी हो रही है अब क्योंकि तेज धूप भी पड़ने लगी है भाई, तो ये चैलेंज हमारे लिए भाई बढ़ता ही जा रहा है। और भाई बैग में भी वजन है और जाकर देखो भाई मैं हाथ में पकड़े हूँ क्योंकि बैग में रख नहीं पा रहा, तो ये हाथ भी भाई दर्द करने लगा है। तो मैं आपको का ही बताऊँ भाई, बड़ी दिक्कत तो आ रही है। अब धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और हमारी यात्रा जैसी जैसी लंबी होती जाएगी भाई, तो हमको परेशानी भी होती जाएगी भाई। और मैं भाई देखो सड़क कैसी है भाई, सड़क नहीं है, मेड़े हैं खेतों की, तो ये हमने एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ा है भाई, क्योंकि ऐसे हम शॉर्टकट जाएंगे ना भाई तो हमको भाई थोड़ा जो किलोमीटर का एयर फेयर है ना भाई वो बच जाता है। तो लमसम 40 किलोमीटर है भाई शॉर्टकट में, वैसे तो काफ़ी लंबा है भाई, 70-80-90 किलोमीटर पड़ती है माता रोड ही रोड जाएंगे तो। और भाई इधर कोई भी इंसान नहीं दिखा रहा मेरे को, गांव भी इधर दूर दूर कहीं नहीं दिखा रहा भाई, पहाड़ी क्षेत्र है। और ये देखो वो जा रहे हैं बाकी के लोग, ये देखो भाई आप दिखने लगे होंगे आपको, और सारे लोग भाई खेतों में होते हुए जा रहे हैं हम। ठीक है भाई चलते हैं, तो आप कमेंट में जय माता की जय श्री राम जरूर लिखना भाई, आपके कमेंट से थोड़ा हमको मोटिवेशन भी मिलेगा। और वीडियो की भाई देखते देखते लाइक भी कर दिया करो, आपका भाई बहुत मेहनत करता है भाई, और ये सब हमें अपनी बच्ची के लिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने बोल रखा है हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी ना भाई, तो हम पैदल 5 मंगलवार करेंगे दंदरुआ के, तो इसमें से हमने 2 तो कर दिए, ये 3रा मंगलवार है। और बाकी के आप लोगों की प्यार और सपोर्ट रहा तो भाई आगे की यात्रा भी ऐसी करते रहेंगे। भैया कितनी आगे चल रहे हैं, काफ़ी आगे भाई, जूम करके दिखा, ये देखो भाई ये देखो बाकी के लोग इतने आगे आगे जा रहे हैं भाई, काफ़ी देखो
वो जा रहे हैं भैया, और मैं कितनी पीछे हूँ भाई, आप समझ सकते हो भाई, क्योंकि भाई आपको पता ही, पहली यात्रा में मेरे घोड़े पैर दर्द करने लगे थे, और इस बार भी मेरे हल्के हल्के पैर दर्द कर रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना भाई, और आप प्यार और सपोर्ट दिखाना भाई, ये यात्रा भी हमारी मस्त रहेगी। 11:15 हो चुके हैं भाई, और हम पहुँच चुके हैं अभी, पता नहीं भाई कहीं पहुँच गए, हमें तो नहीं पता। ये देखो पहाड़ी पहाड़ दिखा रहे हैं इधर तो, और इधर खेती है, बाकी के लोग देखो भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, और मैं आगे चल रहा हूँ भाई। तो अभी हम खेतों में ही जा रहे हैं, ये देखो भाई एकदम मस्त लोकेशन है भाई। इधर सरसों ही सरसों दिखा रही है भाई, इस खेत में जरूर गेहूँ है, वो भी अभी छोटे छोटे हैं भाई। बाकी के लोग पीछे आ रहे हैं, मैं आगे जा रहा हूँ, आप भी कमेंट में जय माता दी लिखते जाना। और खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, और 11:30 बजने वाले ही हैं भाई। पानी पिया था थोड़े, हम एक जगह बैठे थे भाई, और घर से थोड़ा हम 15-20 मिनट बैठे होंगे, इसके बाद कंटिन्यू हमारी यात्रा जारी है भाई। ये चैलेंज से भी कम नहीं है भाई, क्योंकि तो भाई 12 घंटे चलना बहुत मुश्किल होता है वो भी, और मैं तो भाई काफ़ी दिनों में पहली बार चल रहा हूँ। और देखो भाई ऐसी रास्ता है यहाँ पर, आगे का पता ही नहीं है सीन, आगे रास्ता है भी कि नहीं, और हम तो जा रहे हैं भाई अनाधुख चलते जा रहे हैं, और देखते हैं भाई आगे कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। देखो भाई ये मटर का खेत है, देखो भाई क्या मस्त मटर लगी है, खेत वाला ना अल्लाह करे भाई, एक दो फूल ले भाई, देखियो खेत वाला लट लेके ना पड़े भाई पीछे। गजब लग रही है भाई ये मटर तो, बटरा बोलते हैं इसको, आप का ही बोलते हो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और गेहूं को क्या बोलते हो आप, सरसों को क्या बोलते हो भाई, ये पीले पीले फूल दिख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। अब खा रहे हैं भाई सोया से। सो भाई फाइनली हम देखो शहर पे पहुंच चुके हैं, और मटर खाते खाते आए हैं भाई, मज़ा ही आ गया। और देखो भाई इधर तार लगे हुए हैं जी, वो वाले तार है भाई जो करेंट मारते हैं भाई, और देखो बाकी के लोग पीछे पीछे आ रहे हैं खेतों में गिरते हुए। अब तो प्यास लगन लगी यार बहुत, मटर खा गया तो है ना, क्या कह लूँ, कहलू तो लगी प्यास लगन लगी ना। देखो भाई बाकी के लोग जो दौड़ लगाते लगाते पीछे आ रहे हैं, ठीक है भाई, और समय भी हो गया तो लोगों को आने दो। गुटली मोमे चली गई, कर जाई बैठ, कहां गिरवा भैया, ओ चना देखो ए बाजी कोट ले, चना खा रहा है हम, बाजी खा रहे हैं, दवाई लगी, बाजी खा रहे हैं, इल्ली मिली दवाई, मजे डरी कछु नहीं होता भाई, नहीं थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स कर लें, इसके बाद हम चलेंगे 10-15 मिनट। सारे लोग बैठे हुए हैं, वो बेर क्या से बेर वजह आने, चाचा बेर, पापा बेर, चाचा बेर, चाचा बेर बना दो, मुर्गा बना दो, पता नहीं का का बना दो, और मोई मोड़ी बना दी बज्जा। बैठ लो 10-15 मिनट, मैं भाई लेट लेता हूँ। सूरज देखो भाई कहाँ आ गया है, और मस्त पेड़ की छाया है भाई, लेकिन ये भाई धूप मेरे ऊपर ही पड़ रही है डायरेक्ट, अभी खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, इन्हीं को खा के काम चला रहे हैं भाई, और पानी भी नहीं पिया, थोड़ा बहुत पानी पिया है, पानी भी नहीं है हमारे पास, बोतल खाली हो गई भाई दोनों, का ही करे सहले लोग हैं, देखो दो बोतल, हम 9 लोग, 9 लोग है भाई, हम 9 लोग दो गोबर, कितने सारे लोग हैं हम, 1, 2, 3, 3, 4, 9 लोग है भाई, विश्राम कर लो उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। सो भाई 11:50 हो चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, सारे लोग खड़े हो चुके हैं जाने के लिए भाई, तो मैं भी हो लेता हूँ खड़ा, चलो चलो चलो, ठीक है भाई। और देखो भाई किसी की खेती का नुकसान कर दिया भाई, और इधर चने की खेती है देखो भाई, बाकी लोग सब
खड़े हो चुके हैं जाने के लिए भाई। ये देखो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय चंद्रगुप्त सरकार की। मैं भी अपने झोला जंगर उठा लेता हूँ भाई, और ये जाकर बहुत ही परेशान कर रही है भाई, मैं आपको का ही बताऊँ। तो चल रहे हैं भाई, हमारी यात्रा चालू हो चुकी है, हमने 10-15 मिनट रिलैक्स कर लिया है भाई, इसमें भी तो हमें पैरों को आराम मिल गया है। कालू को दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। चलो, दिक्कत तो हमें आ रही है भैया, ना घुटे दर्द कर लगे अब, और तरबू के दर्द कर रहे हैं। देखो भाई, ठीक है भाई। सो भाई, 12:39 हो चुके हो, और हम इस सस्ों में से निकल कर मेन रोड पे आ चुके हैं भाई। मेन रोड थोड़ी दूर और है हमसे भाई। सो भाई देखो भाई, फाइनली हम रोड पर आ चुके हैं, और रोड पे ही नहीं भाई, देखो श्यावर की माता भी आ चुकी है भाई। वो घने घने पेड़ दिख रहे हैं ना भाई, वहाँ पर श्यावर की माता है। तो चलो भाई, वहीं थोड़ा रिलैक्स करेंगे, दर्शन वर्शन करेंगे, और भाई खाना वाना भी खाएंगे भाई। काफ़ी टाइम हो चुका है भाई, चलते चलते थोड़े ही बैठे हैं भाई हम, एक जगह और बैठे थे भाई। सो वैसे डिंगर रहे हैं भाई 6:30 से भाई, और समथिंग 1 बजने कोई हुआ भाई। तो बाकी के लोग आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ भाई। तो भाई वहीं चलकर मिलते हैं आप लोगों से। सो भाई, 1:06 हो चुके हैं भाई, और देखो भाई सारे लोग बैठ चुके हैं इधर। ये देखो बैग हमने यहाँ रख दिए हैं भाई, कुछ बैग इधर रखे हैं। ये भैया बैठे हैं सर, भाभी वगैरह बैठी हुई हैं भाई। ये देखो भाई, और अरे ले लेंगे अब का वो तो छू के हम आ गए भाई। लो बड़ी, भाई कुछ खा पी लेते हैं भाई। कहाँ खावे में, कल आए निकालो बच्चा। अरे बड़ी है लेकिन में, और देखो पिल्ले पिल्ले भी आ गए हैं। हैं कहाँ भैया खावे को बैग यहाँ उठा दानू अपनो अरे परसाद निकालो। कुछ खा ले पी ले भाई। मैं कहाँ बैठूँ यार, मैं ऊपर नहीं बैठा हूँ। मैं किधर बैठा, कुछ लेटका भाई। हीट पंप भी है भाई, प्यास लगेगी तो पानी। देखो भाई, मैं 2 पूड़ी दे दूँ, मैं बाई दिया हूँ भैया। 2 पूड़ी निकाल कर दे दी, मैं बाई दिया हूँ। ये देखो भैया, भैया ने निकाली पोटली कर ले। डंडा चाहिए और कहाँ आया मैं, पूड़ी कहाँ से मुरांगे डंडा तो ला। देखो भाई बेटी कहाँ है यार, काय और कौन बैठे बड़े गुस्सा हो रहे हैं छोटे छोटे पिल्लन पे। लो मैं कहा पकड़ो बड़े जाओ। ये देखो भाई, बिना दे दो मैं कुछ गई ले लो आ जाएंगे भाई। खा पी लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। लो जी आजी आ जाओ, तो भाई का चोर रहे हैं। अच्छा मतलब, अरे हम वो परेशान करेंगे बूढ़े आदमी है। जाइए आ जाओ बच्चा, आलू भाई जाएंगे। आओ जाइए, अरे तो ले ना, भाई मजा आ रहा है। तुम खा रहे हो? नहीं हम नहीं खा रहे। क्या भूख लग रही हो, ते मत गज्जो। और टाई नहीं लग रही हो ना, ते खा लियो। क्या अपनी अपनी पोटली खोल रहे हैं? देखो शिवानी देखा बना लाई, और अचार है और हरी मिर्ची है बस। हां काम बढ़िया जी, टेका लग गया अचार। आलू की सब्जी नहीं लाई? लाई है, मर गए बेटा। सवेर बना ले तो तुम 1 बजे छूट गए, कर गा रही थी। हां कर रही थी भाई, मटा बाल ला दे मटा पानी में। वो उतार लगा इसे, ये लास्ट कर दो सरकार। बताओ भैया, सब्जी बना के नहीं लाई? मिर्च पूरी ये रही, मिर्च तली तलाई हुई। मिर्चों तो 3 पनी मिला पेड़ है, वो बगनी जाए। तेल पे वो तेल है, ले लेंगे ना। तो मिर्च तो बढ़िया भाई, का अचार पूरी तो मैं फिर ले लाऊंगा पूरी तो।
सो भाई 2:30 हो चुके हैं, यानी 2:30 हैं। और देखो भाई जीजाजी तो लेट गए भाई, और बाकी के श्रद्धालु भी भाई हमारे बैठ चुके हैं, और मैं तो जा रहा हूँ। पानी है बोतल में? हो जाएगी पंप नो, परेशान हूँ। गर्म तो होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बैठ लेते हैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया भाई, 1 घंटा हो गया ना जी चलते चलते। अपन ने 1:30 बजे से चले थे अपन, है पहले तो मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो बज्जा पहली बार आऊ तू ना, दूसरी बार तो मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, बैठ गो तो उठ नहीं पा रहा हूँ। तू ये समस्या आती, बहुत गर्मी है। क्या कालू मजा आ रहा है? थकावट लगी लूट गाते तो पेट फूलो। सही बात है बच्चा, खा लिया वापस जल्दी कर लगी। लगी पानी की बोतल, सही कह रहा हूँ, रोटी से चल नहीं पा। सही बात है, रोटी हो तो ज्यादा खा ली मैंने, 5-6-7-8 पूरी खाई होंगी। ले 7-8 कह रहा हूँ, नहीं जाना खाली गदा गया ही लगो दे रे। और का 3 पहले लाई, 2-3-6-6-7-8-9 तो ही होंगे। तेने कम खाई? नहीं कम खाई, सबसे कम खाई, मैंने कम खाई, सबसे कम खाई, सबसे कम खाई मैंने। और ठीक है भाई, यहाँ पर हम बैठेंगे 10-15 मिनट, सबसे कम उसके बाद अपन चलेंगे। तो ज्यादा खाई ये भी भाई सिद्धों का स्थान है, यहाँ की पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं भाई, ये लोकेशन है यहाँ की मस्त। ठीक है भाई, 7-8 पूरी एक दिन में लगे हो, बताओ कचू ना कच्चा। 21 पूरी? 21 पूरी खावे तुम जीजा? 6-7-8 6-7-8 कितने को होता है? अरे तो 6-7-8-15-21 यार, 21 पूरी खावे बताओ। पूछो भाई फिर काय को चलो जा रहे तुम पे, सही बात है भैया। पूछो भाई 21 खा गा, और बाकी की सिर्फ दालू का सस्तों में को गएगा नाड़ा लो सापा डाल पड़ नाड़ा को। अरे जी आ गए देखो, बाकी के श्रद्धालु भी आ गए भाई, ये पीछे रह गए थे, 3 लोग पीछे रह गए थे, बाकी के हम रिलैक्स कर रहे हैं भाई आराम से। कहाँ चल रहे थे देखो, अब आयो चलो आदमा धो ले पानी भाई, जो बोतल भर लगे और डाल लेंगे हम कंट में। क्या की बोतल प्याओ प्याओ। तो भाई हम 10-15 मिनट यहीं बैठने वाले हैं भाई, ठीक है, उसके बाद अपन लोग कंटिन्यू यात्रा करेंगे भाई। और हम सुबह 6:30 बजे के चल रहे हैं भाई, और अभी हमको बज गया है भाई 2:30, तो आप लगा लेना भाई कैलकुलेशन करके हम लोग को कितना टाइम हो गया है भाई, और अभी तो हमें काफ़ी दूर चलना है। तो नहीं भाई बताएं भाई, और घाम धूप ऐसी भाई की मैं आपको बता ही नहीं, चलना मुश्किल हो रहा है, और बैग बैग जैकेट वैकेट भाई सब मैनेज करके चलना पड़ रहा है। एक बोतल करोन से बल्लंग भाई, और पानी भाई यही मिलने वाला है फिर तो। वो टुकड़ा करो, वो कौन से स्थान है वहाँ स्थान का है? तो वो टंकी क्यों टंकी नहीं आए, वो अपन वो देवर के किले से पहले चंडी माता नहीं तो को। अरे पहले चौतरा रो पहले वो, अरे वो बाबा कह रहे हो तो वो कौन से वो बाबा कह रहे हो जी बढ़िया वो स्थान पहले तो बताई रहे आश्रम है वो को महाराज को वहाँ फुटू लगे वहाँ बैठेगी देख ले से हमाला को प्रोग्राम कर रही हो सिद्ध बाबा के मंदिर में आ जा। अब कुछ क्या आ गई हो कोतौगा बता, मैं तो कह रहा हूं जी सिद्धन तक छोड़ के अपन ना जाएंगे तो वो बाको है बापई फैमिली है ला लोग पची जी आपको पची सारी जी जा तो लेट गए भैया, ले उठा ले पानी मैं और पी लो। बहुत ही मजा आ रहा है भाई, मजा तो आ रहा होगा भैया, चले जाने में आज तो मजा जामपल को पेड़ नहीं जा। हाँ तो जा, मैं जामपल नहीं लगेंगे तो मैं कहाँ से कर रहा हूँ मैं तो काय को है ये जामपल कोई तो है देखियो ये निबुआ को है नहीं ये निबुआ को है जो को है, जो वो आम को है आम को वो वाला भैया आम का है जी जामुन को है छील उड़ी हाँ उड़ी बोले टट्टी उड़ी महाराज जैसी यार जी जा यार
तुमने बहुत पी लो, रिलैक्स कर भाई थोड़ा। नहीं अब तो अपन इतने जले हम तो तब तो पहले चले गए तो मैं ही अंदर होता तुम चार जने भूल गए थे डांग में सही। सो भाई 2:45 हो चुके हैं और हमने 10 से 15 मिनट बेड भी लिया है भाई। ये देखो कैसे लेटी है भाई। चलो ना हम उठेंगे तभी उठेंगे लो हम तो उठ गए। ये देखो भाई अपने बैग वैग ले लेते हैं भाई। ऐसे बैठेंगे भाई तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रात हो जाएगी क्योंकि भाई डांग पड़ता है। डांग पड़ता नहीं है, पड़ती है पड़ती है। ये देखो भाई कितना प्यारा डॉगी बैठा है जयमाला डाल के। चले विदा दे दो हमें, चलो। ये देखो उठा जीजा यार, तुम हल से आ जाते तो सबरियन से आ जाते, तुम तो बैठा रही रहे। जय मारे जीजा है, मैं इनका साला हूँ। नहीं वैसे तो मुझे सारी कह रहे थे साली हो, मैं इनकी साली हो ना। साली शादी शादी नहीं साली साली। हाँ आया हारा बताओ ये भाई कंटिन्यू यात्रा करती है भाई। ऑल वेल बैठ लेते तो भाई घोड़े दिक्कत करने लगते हैं और चलते रहते हैं ना भाई कंटिन्यू, तो पैर इतने वो लगते नहीं है भाई। अब तो पैरों में दर्द चालू हो गया है, घुटनों में और तरवों में भाई। और इधर भाई ये जैकेट परेशान कर रही है, इधर बैग में भी काफ़ी वजन है भाई। और हमने बढ़िया से पानी वानी भी यहाँ पे पी लिया है भाई। तो अब देखते हैं भाई हम कहाँ पर रुकेंगे, हमको कुछ नहीं पता अभी तो। हमको चलते चलते जाना है भाई और शाम होने तक भाई पहुंचना ही है उजले उजले में भाई। पर डांग में अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो भाई बाकी श्रद्धालु भी पीछे आ रहे हैं। तो देखो भैया तो उधर ही रह गए हैं। क्या ले रहे मंत्र मंत्र की करे मंत्र मंत्र की करे मंत्र जंतर। देखो आम को पेड़। हाँ भाई अरे अरे काली ऐसे काम मत करे भैया, आजा थके जाओ फिर। मुल्लू बना रही मैं जानते नहीं सस्सों जे जीजा कहाँ जा रही, तुम्हारा पीछो नहीं छोड़ रही जीजा। ओ जीजा ओ जे तुम्हारा पीछो नहीं छोड़ रही। आया आया भाई, चार लोग आगे हैं, चार लोग पीछे हैं और बीच में अपन है। तो भाई चले जा रहे हैं हम एंड में। जय श्री राम, जय रतनगढ़वारी मैया, जय माता दी, लिखते रहना भाई लोगों। आपके प्यार और सपोर्ट से ही तो भाई हमारी यात्रा सफल हो रही है भाई। और आज पहला ही दिन है भाई और कल भी हमको बग गई आरत जय पीछे आरत जय माँ रतनगढ़वारी मैया का पहाड़ बिल्कुल छक के यहाँ से दिख रहा है। देखो भाई लोग इसी पहाड़ पर है माँ, ठीक है भाई। काइंडली अपन वहीं चलकर मिलने वाले हैं तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। सो भाई राइट 6 बज चुके हैं भाई और चंडी माता से लेकर भाई हम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं बैठे, बिल्कुल भी भाई। और मैं पीछे पीछे हूँ और बाकी के लोग देखो भाई आगे आगे है। और भाई शाम हो चुकी है, सूरज बिल्कुल भी ढल चुका है भाई। और हम माता से भाई कुछ थोड़ी दूरी पर ही है भाई, हमको यहाँ से 20 से 25 मिनट और लगेगी भाई, सही हमारा रतनगढ़वारी माँ के दरबार पहुँच जाएंगे भाई। और भाई चंडी माता पे हम 4:30 बजे या 4:45 बजे थे भाई और यहाँ आते आते हमको 6 बज चुका है भाई। और हम भाई ऐसे ही जंगल से होते हुए आए भाई। ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल, कटीली झाड़ी हैं भाई। और वहाँ से लेकर यहाँ तक पानी की भी भाई कोई जुगाड़ नहीं है, ये पूरा रास्ता भाई जंगल से होता हुआ जाता है। और देखो बाकी के लोग वो जा रहे हैं और वो देखो माता का पहाड़ भी दिख रहा है भाई। ये देखो भाई इसी पहाड़ पे विराजमान है हमारी माँ रतनगढ़वारी माँ और महाराज कुंवर बाबा, दोनों भाई बहन है भाई।
इसी पहाड़ पर विराजमान है भाई। इन्हीं के दर्शनों के लिए भाई हम गांव से कम भाई 30 से 40 किलोमीटर भाई पैदल चलकर आए हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट डे। सेकंड डे के लिए भाई हम दंदरुआ के लिए निकलेंगे, वो भी यहाँ से। ठीक है भाई, तो चलते हैं भाई माँ के दरबार। हम कुछ ही पल में पहुँचने वाले हैं और भाई बहुत ही थकावट हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन हम माता रानी और कुंवर महाराज का नाम लेते लेते भाई बिल्कुल पहुँचने वाले ही हैं उनके दरबार में। और भाई बस आप भी कमेंट में जय माता दी जय श्री राम लिख देना भाई लोगों। ये देखो भाई काफ़ी बड़ा पहाड़ है और इसी पहाड़ पर है भाई माँ विराजमान। देखो बाकी के लोग बहुत आगे चल रहे हैं, देखो चार लोग हैं, चार और आगे हैं भाई, हम पूरे 9 लोग हैं भाई। ठीक है, और भाई इस पहाड़ से के पीछे से होते हुए भाई हमें इस पहाड़ के पीछे से होते हुए भाई इधर आना है भाई। ऐसे घूम के इस पहाड़ की परिक्रमा देके हम इधर आ जाएंगे। ठीक है भाई, 20 से 25 मिनट और लगेंगे तो ये हम माँ के दरबार पहुँच जाएंगे। तो फाइनली अपन माँ के दरबार पहुँच कर ही मिलने वाले हैं, तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहना। बहुत ही आनंद आया भाई, ये भी एक नया अनुभव है भाई पैदल चलने का। गाड़ी से मोटरसाइकिल से तो हम बहुत जाते हैं भाई कहीं, लेकिन पैदल चलने का अनुभव एक अनुभव होना भी चाहिए भाई। हमें अपनी कैपेसिटी की पता चलता है भाई हम कितना चल सकते हैं भाई। तो ये भी भाई हमारे लिए एक चैलेंज है एक तरह का। देखो भाई सारे लोग आगे जा रहे हैं और देखो तो भाई बाकी के लोग तो हमारे आगे पहुंच चुके हैं, हम लोग और अंधेरा काफ़ी हो चुका है। ये देखो भाई, लेकिन रास्ते में थोड़ा उजाला था भाई, नहीं आके हमें अंधेरा हुआ है। ठीक है भाई, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, ओके बाय बाय। और आपका इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा भाई। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे अपन लोग, तो उसको भी आप जाकर वॉच आउट कर लेना नेक्स्ट डे। ठीक है भाई।